बेटी सुबह जाती है और पता नहीं होता बेटी आएगी कि नहीं आएगी, मेरी तो नहीं आई ना, मुझे सारी जिंदगी एक मुजरिम को हम फांसी चाहते हैं, फांसी। जैसे देश की बेटी जल रही है उसको भी जलना पड़ेगा, लड़का को फोन तो फांसी लागू होनी चाहिए। यहाँ की पुलिस करती है मतलब लड़कों को ढाके बंद। देन उसके बाद लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि सारी प्लानिंग उसके बाप की थी, मास्टरमाइंड जो उसका बाप है। क्योंकि इस बहन बेटी के साथ जो हादसा हुआ है कोई नया हादसा नहीं था, इससे पहले भी हादसा हो चुका है। उसकी आंख फोड़ी गई, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने उसके साथ कोई भी कानून कार्रवाई नहीं करी। उसे जैसे मेरे बेटे को काटा है ना टुकड़ों में, उसे भी कटना होगा। इसने लड़की के साथ गलत किया, उसको फांसी मिलनी चाहिए। महीने पहले भी लड़की को इतनी बुरी तरह मारा था तब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। आज राजधानी दिल्ली में जो यहाँ पर देह संस्कार हो रहा है वो फिर से एक निर्भया का हो रहा है। बता देंगे कुछ सालों पहले जब निर्भया केस में पूरी राजधानी का दिल दहल उठा था तब लोग जो है वो सड़कों पे आ गए थे। कानून व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर लड़कियों को सुरक्षा मिलेगा, लेकिन आज भी इस देश की बेटियाँ इतनी असुरक्षित है वो आप कोलकाता रेप केस के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बता दें आप सभी को कि यहाँ पर एक लड़की थी मान्या जिसके साथ लगातार जो शाशी के बच्चे थे या कुछ आरोपी थे लगातार उनके साथ रेप कर रहे थे, उनको घर के नीचे से ले जाकर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। बता दें कि 16 मई को हमने खुद बताया था ऑन कैमरा, उनसे हमने बात करी थी कि किस तरीके से मान्या उनके परिवार वाले दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, जिस तरीके से वहां पर कुछ गुंडे उनके पीछे पड़े हुए थे जब रेप करने के बाद झूठी शादी का आरोप लगा रहे थे कि हमने तो शादी कर लिया मान्या से, लेकिन शादी वो नहीं थी। उसी के बाद बता दें कि वो दिन पर दिन मान्या को धमकी दे रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और अभी मौजूद हूँ मैं दिल्ली के रघुवीर इलाके के शमशान घाट में। यहाँ पे आप परिवार वालों के हालात देख सकते हैं, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाइयों के हालात देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था ने काम किया है जिसको देखकर आप शमशार हो जाएंगे। बताते हैं आप सभी को कि 2 बार मान्या पे अटैक हुआ था गुंडों के जरिए, आरोपियों के जरिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी ने मान्या को कोई भी सुरक्षा नहीं दी, पुलिसकर्मी ने मान्या के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए और आज आरोपी ने खुलेआम मान्या का बेरहमी से कत्ल कर दिया, आरी से उसका गला काट दिया और जिस हिसाब से उसकी बॉडी में आरी चलाई है अगर वो आप देखेंगे तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे शमशान घाट में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, सुरक्षा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अब क्या फ़ायदा सुरक्षा देने का? पहले मेरा ये सवाल है कि अब फ़ायदा क्या है सुरक्षा देने का, जब ऑन कैमरा मान्या ने गुहार लगाई, जब उनके परिवार वाले पिछले 4 महीने से अटैक झेल रहे आरोपियों का, तब उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देगी, लेकिन अब वो आए यहाँ पे सुरक्षा देने। बता दिए कि कुछ कारणवश कुछ दिनों पहले उनके भाई को भी पुलिस वाले उठा के ले गए, लेकिन पिता का कहना है कि उनके भाई के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। पिता का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उनके भाई को बेवजह उठा के ले गए और ठीक 2 दिन बाद उनकी बहन का कत्ल कर दिया गया। सोची समझी साजिश आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर साजिश रची गई है। उसके बाद आइए आपको उनके परिवार वालों से मिलाते हैं, बात करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर उनके भाई भी आए हैं पेरोल पे और जिस हिसाब से यहाँ पे उनकी माँ, उनके पिता का हाल, यहाँ पे कई तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं मान्या के न्याय के लिए, मान्या के जस्टिस के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। मुजरिम को हम फांसी चाहते हैं, फांसी। जैसे कलकत्ता में हुआ है, जैसे ही कलकत्ता में हुआ उसको फांसी, ऐसे जेल भी बनना चाहिए। उसको फांसी, फांसी होना चाहिए उस व्यक्ति को। हालात हुई है कि जो गुनहगार होगा उसको फांसी दी जाएगी, इसने लड़की के साथ गलत किया उसको फांसी मिलनी चाहिए। जिसने मारा सबको फांसी होनी चाहिए। सस्पेंड करा जाए खेलाधारी को जो मारा। जैसे इस देश की बेटी जल रही है, जैसे इस देश की बेटी जल रही है उसको भी जलना पड़ेगा, पड़ेगा उसको, तभी तरेगा अपना लड़का को फोन दे देगा उस व्यक्ति को। फांसी और इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते, फांसी, पूरे परिवार को फांसी, ऐसे बेरहमी से फांसी बस। बाप बेटा ने मारा जी, बताइए। यहाँ पे हरबारी का हो गया जो लड़की के साथ हो रहा है ना, तो फांसी लागू होनी चाहिए। यहाँ की पुलिस करती है मतलब लड़कों को ढाके बंद।
जो करना है जायज नहीं करता, पैसा खा के वो बॉडी के आगे लेके थाने के, थाने के आगे लेके छोड़ 50 लाख दे दिया, मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो हराम में कह रहा है। ऐसी बिक्के की मट्टी आनी चाहिए जो बात बकरार बिलाग में। फांसी गौतम को, फांसी गौतम को, फांसी। बताइए आप। मैं अपने इस देश के संविधान से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो भी समाज में घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं एक जगह की नहीं है, ये जो घटनाएं हैं पूरे देश की हैं। थोड़ा सा इसकी जो जिम्मेदार पूरी तरह से पुलिस है, क्योंकि इस बहन बेटी के साथ जो हादसा हुआ है कोई नया हादसा नहीं था, इससे पहले भी हादसा हो चुका है। जी, 3 महीने पहले हम भी गए थे इनके घर पे, हमने इनसे बात करी है, इनसे खुद हमने बात करी, इनके माता पिता से हमने बात करी। क्या पूरा मामला है? 3 महीने पहले मैंने कंप्लेंट दी थी कि वो एक लड़का मेरा पीछा करता है, मुझे परेशान करता है। उस कंप्लेंट के बेस पे उसने मेरे साथ मुझे 16 तारीख की रात सुबह लेके गया 6 बजे, गले पे चाकू रख के उसने मेरे साथ मारपीट करी, एक रूम में मुझे बंद करके रखा, जानवरों की तरह हैवानों की तरह उसने मेरे साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया और भी ज़्यादा बदतमीज़ी करी उसने मेरे साथ, बहुत बिजबिहेवियर किया उसने मेरे साथ। उसके बाद एक पार्क ढूंढा, उसने मेरे को झूठ बोला कि यार तेरे को मेडिकल करा गया हूँ, तेरे ज़्यादा ब्लडिंग हो, खून ज़्यादा आ रहा है तेरे। फिर उसके बाद उसने मेरे को पार्क घुमाया, रात को 2 से 2:30 बजे के टाइम मैंने फ़ोन करा अपने घर वालों को, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब करके चला गया, मुँह पे चाकू चला, सिर पे चाकू मारे, फेस पे चाकू मारे उसने मेरे, और तेजाब ढूंढ रहा था, उसको तेजाब नहीं मिला, मेरा पहचान छुपाने के लिए ईंट मार के चला गया, और अपने पापा को बोलता फ़ोन करके लास्ट में कि पापा मैंने काम कर लिया, उसके पापा ने बोला वहाँ से भाग जा। क्यों हमला किया गया आपके ऊपर? मैंने कंप्लेंट दी थी, मेरा रास्ता रोकता था आते जाते, उस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए कि मेरी कंप्लेंट वापस ले, तो उसने कंप्लेंट करी मेरे नाम की, मैंने वो कंप्लेंट वापस नहीं ली, इस वजह से उसने मेरे साथ ये करा। तो आप लोगों की जान पहचान है पहले से उस व्यक्ति के साथ? हमारे पड़ोस में रहता है, उसके सिवा मैं उसको नहीं जानती। इसके अलावा ये जो आपके ऊपर हमला किया गया और लगातार आप कंप्लेंट कर रहे हो, इस पर कोई एक्शन हुआ है अब तक? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कौन से पुलिस स्टेशन में गया मामला? ख्याला थाना में गया और पश्चिम विहार जहाँ पे मेरे साथ वारदात करी वहाँ पर गया, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो लापरवाही शासन प्रशासन ने की है, मैं कानून से और संविधान से हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि यदि इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो देश का सारा हिंदू बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रोड पे उतरेगी और कल इस बेटी के नाम का कैंडल मार्च पूरे देश में निकलेगा। इसलिए प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इसके अपराधी जो भी है उसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए, और एक ही गुजारिश है फांसी। जब तक उसे फांसी नहीं होगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन न इस देश से रुकेगा, न रघुवीर नगर से रुकेगा, पूरे देश में ये प्रदर्शन चालू रहेगा। और 2 महीने पहले जब उस लड़की के साथ, जब 2 महीने पहले उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ, उसकी आंख फोड़ी गई, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने उसके साथ कोई भी कानून कार्रवाई नहीं करी, और आज 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 वो लड़की हमारे हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, आज वो इस जिले में चल रही है। तो हम चाहते हैं कि अब पुलिस प्रशासन की आंखें खुले और वो इसकी कानूनी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त करे, और जिसने भी ये काम किया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बाद फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। घर में सर उसके बिक्की के घर में सील लगनी चाहिए, और बिक्की उधार बिलाग में बैठा है अपनी मौसी के घर में दुबका हुआ, और जमाई की गाड़ी में महाराज ने, और 4 जने तेजे, 3 बाप बेटा उसका भाई था, वो आर बिलाग में बैठा, कुछ पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी, पकड़ना चाहिए उसके घर में सील लगनी चाहिए, और लड़की अगर बाप को फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए इनको। 3 महीने पहले भी लड़की को इतनी बुरी तरह मारा था तब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, अगर तब भी एक्शन ले लेती ना तो आज ये बेटी जिंदा होती और वो लड़का जेल में होता। 2 घर बर्बाद हो गए किसकी वजह से? सिर्फ दिल्ली पुलिस, हमारे ख्याला थाने के, रजौरी गार्डन के, और ये पशमपुरी के थाने कुछ नहीं करती है, बेगुनाह को पकड़ती है और जो गुनाह करता है उनका साथ देती है, क्योंकि उनके पैसे मिलते हैं। हम चाहते हैं सारे कि हमारे यहाँ की पुलिस सक्षम और सब यहाँ से मैडम, ऐसा है ख्याला थाना जो है ना सबसे गंदा है, वो इतना गंदा है ना, तो वहाँ पे किसी चीज की कोई वो होती है, कंप्लेंट सुनते हैं ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती, और वहाँ पर जो अमरजीत राणा, अमरजीत राणा
चाहिए बच्ची को, वरना मिलना चाहिए लड़की को इंसाफ। और ये तीसरा मर्डर करा है सासी ने अपने बहू के साथ दुष्ट करा। तीन महीने पहले जब हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से इस लड़की से हमने आपसे बात भी करवाई थी, लड़की ने खुद एक्सेप्ट किया था ऑन कैमरा कि उनके साथ क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से उनका उनके साथ रेप हुआ था और किस तरीके से उनके घर वाले, उस लड़के के घर वाले लड़कियों के ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे। पहले लड़का लड़की को घर के नीचे बुलाता है, फिर दूर मैदान में ले जाकर उसके साथ मारपीट करता है। देखिए जिस तरीके से 3-4 महीने पहले उनके साथ मारपीट हुई थी, हमने आपको दिखाया भी था, और किस तरीके से उनके माँ बाप ने गुहार लगाई थी ऑन कैमरा पुलिस वालों से सबसे कि हमारी बेटी को बचा लीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की लापरवाही की वजह से, पुलिस की नाकामयाबी की वजह से कुछ भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और आप उस लड़की की मृत्यु हो गई है, आप उस लड़की की जान जा चुकी है। जैसा कि ऑन कैमरा हमने आपको बताया था कि लड़की काफ़ी गुहार लगा रही थी कि हमें सुरक्षा दो, लड़की ने खुद कहा था, लड़की की माँ ने भी कहा था और लड़की के पिता ने भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन मौन होकर बैठ गई और साथ ही में जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और अब ये नौबत आ गई है कि लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, इतनी बेरहमी से लड़की की हत्या की गई है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपनी लड़की को लेके जाओ, हम नहीं है इसको जिम्मेदार, हम कहाँ से पकड़े हैं, अभी तक नहीं किसी को पकड़ा, और वो बिक्की उधर बैठा आर्मी लाख में, अब मैं बोल क्या इन पुलिस वालों से, तो वो कह रहा हमने एक को तो पकड़ लिया, हम किस किस को पकड़े, पुलिस वाले यहाँ से बोल रहे की जो हालत हो रही है, आप प्लीज उसके पास चलिए, आप देखिए उसकी माँ की, और हम चाहते हैं साथ ही औरन के कारण ना प्रशासन पैसा खा रही है, बस पैसा खाया उसने। जब मेरी बेटी जिंदा थी, जब मुझे किसी थाने ने मदद नहीं करी, मेरा थाना लगता है खेला, खेला में अजय दीपक, अजय एसआई दीपक और आरोसी, ये सारे मिले हुए हैं, पैसे खा खा के बैठे हुए हैं, सारे मिले हुए मेरे पास आते हैं और कहते हैं पैसे मांग लो, कितने मांगोगी, मुंह फाड़ लो, कितने फाड़ोगी, इन्होंने ऐसे ऐसे मुझे आके भेजी हैं, खबरें भेजी हैं, खबरें करी हैं, और रात को जब मैंने उनकी नहीं सुनी तो मेरी बेटी के संग उन्होंने पैसे खाए डेढ़ डेढ़ सारा, कोई न्याय नहीं लेने दिया उन्हें, कहता है ये तो क्या करेगी गरीब औरत, पुलिस को जेब में रखता हूँ, जेब में लाख रुपये फेंकता हूँ उनके मुँह पे, पहले भी 3 महीने पहले जब पुलिस कुछ अपनी माँ बहनों को दे जाते हैं, मुझे वो कहता है वो बिक्की सांसी मेरे को खुद चैलेंज करा उसने, बिक्की ने, ऋषि ने, जोनी ने, उसके सारे बच्चों ने, ये बोला क्या कर लेगी ये अकेली औरत, क्योंकि पुलिस की औरतें तो हमारी लुगाई हैं, हमारी रखेल हैं, वो क्या करेंगे, वो तो उनको 30 दिन में मिलती है वो तनख्वाह, और हम उनके जेब में डालते हैं रोज़ डालते हैं उनके जेब में, बिक्की ने बोला मुझे खुद सांसी ने, और कह रहा क्या कर लेगी, क्या करेगा तेरा पुलिस वाला भी कोई नहीं है, पुलिस के सारे लोग मुझे मिले हुए थे, जब मेरी बेटी के संग वारदात हो गई तो उसके बाद पश्चिम बिहार ईस्ट में भगाया गया मुझे, कि यहाँ का केस नहीं है तुम्हारा, वहाँ का केस है साहब, अगर इनकी पुलिस वालों की बेटियों के संग ऐसा होता तो वो किस किस थाने में घुमाते उसे, किस किस थाने में घुमाते, उनसे ये पूछा जाए, मैं प्रशासन से ये मांगती हूँ बिक्की के पूरे परिवार को फांसी दी जाए, सारों को, अगर वो बचेगा बच्चा तो वो बदला लेगा, क्राइम करेगा, वो क्राइम को मौका ना दिया जाए, सबको फांसी दो, फांसी दो सबको, फांसी दो सबको, फांसी चाहिए तो मैं मानूंगी न्याय, ये न्याय में भागता है, नहीं तो हर चौराहे पे हर बाप, हर बहन, हर बेटी बंदूक लेके खड़ी होगी, कानून के हर किसी के हाथ में कानून होगा, 30,000 ही बंद हो जाएगी, अपना फैसला खुद करो, अपना फैसला खुद करो। ए नीतू तेरी तो मानिया थी, ए तूने मेरे संग जो कराया ना, तेरी बेटी के संग होगा अब राजेश, तूने मेरे पे बंदूक उठाई थी ना, मेरे ऊपर बंदूक उठाई थी, जबरदस्ती सहन करवाए थे मुझसे, उसके साथ भी होगा, मैं सबको सस्पेंड करो, राजेश और एसआई दीपक पश्चिम बिहार, एसआई दीपक जो खेला थाने से, अजय यादव ने लूट लिए 5 लाख रुपए, एक रात में 5 लाख जो कमा रहा है वो मेरी सुनेगा, इस गरीबन की, जो गरीब सड़क पे रहता है उसकी सुनेगा, वो तो उसी की सुनेगा जहां उसे लूट मिलता है। मैं चाहती हूँ सबको सस्पेंड करो, सबको निकालो, निकालो ये प्रशासन से, इनको निकालो, इनको कोई अधिकार नहीं है ये दिल्ली में रह के कोई फैसला ले सके, इनके हाथों में चूड़ियाँ हैं, औरत मर्द बनेंगी और पुलिस वाले लुगाई उनकी जूतियाँ बनेंगी, जूतियाँ चाटेंगे वो पुलिस वाले,
अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं योगी सरकार के पास जाऊंगी। योगी सरकार से कहूंगी सारे दिल्ली वालों को, पुलिस वालों को निकलवाओ और नई लाओ, नई प्रशासन लखनऊ की लाओ। जब मोदी कुछ कर नहीं सकता तो क्या फ़ायदा उसका राजनीति का? राजनीति चलाना नहीं आता उसे। अगर चलाना आता तो ये क्राइम नहीं होते, बहनें नहीं जाती, बेटियां नहीं जाती। आज कोलकाता में इतना अच्छा ऑर्डर हुआ है, यहाँ भी ऑर्डर करो ना, यहाँ क्यों नहीं करते हो? यहाँ गोली बंदूकें बच्चे ज़्यादा ज़्यादा से क्राइम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके संग अन्याय हुआ है। आज तक कोई न्याय के लिए नहीं खड़ा हुआ। किताबों पे किताबें ढेर लगी जाती है, एक दिन वो रद्दी में फेंक जाती है, क्या न्याय मिलता है? 30,000 में हजारों केस लगे हुए हैं, आज तक किसी का फैसला, आप लोगों ने सुना कि मीडिया में आया कि किसी का फैसला न्याय मिला है किसी को? किसी को नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा। अगर मेरा योगी सरकार होगा ना तो वो मुझे न्याय जरूर दिलवाएगा मेरी बेटी को। देखिए, 3 महीने पहले भी हमारे सबसे बात हुई थी, आपने कहा था कि किस तरीके से आपकी बेटी को धमकाया जा रहा है, उनको नीचे बुलाया था, विक्की ने को किडनैप करा, नीचे बुला के मारपीट की थी मैदान में। किडनैप करने के बाद उल्टा मेरे पे ही मेरी बेटी को और मुझे परेशान करने आते हैं। किस वजह पे आते हैं? हमारा गुनाह क्या है हमें भी तो पता चले कि ये बेटी पैदा करी हमने, इसलिए ये गुनाह है हमारी संग। ये काय की बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, क्योंकि बेटी तो शैतान बचने नहीं दे रहा। और सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्या करेगी सरकार? ये लोट भरते हैं विक्की सांसी और उसका परिवार, ऋषि विक्की सांसी और जो गौतम उसका बाप, सबको फांसी लगा दो, सबको सील लगाओ। सांसी समाज दिल्ली से बाहर निकालो, सांसी समाज को बाहर निकालो। वो कहता है मोदी क्या करेगा, मोदी तो खुद दारू बिकवाता है, खुद ठेके लगा रखे उसने पूरी, वो उनके पास कहता है इतना पैसा उन्हीं के पास से जाता है जब वो सरकार बनती है। जब ऐसी सरकार का क्या करना, ऐसी लात मारो ऐसी सरकार को, सरकार अपनी खुद बनाओ। जो करे हाथ के हाथ, खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल, उसे जैसे मेरे बेटे को काटा है ना टुकड़ों में, उसे भी कटना होगा। एक बार फांसी की मौत हो जाती है ना तो वो एक बार ख़त्म, वो नहीं चाहिए मुझे। तड़प तड़प के जैसे मेरी बेटी ने सिसकियाँ ली है ना, वो चाहिए मेरे को, वो गुनाह वो लाओ मेरे सामने, मैं भी तो देखूँ कि वो तड़प कितनी होती है, मैं भी तो सुनूँ कि मेरे संग मेरे जो बीत रहा है मेरे संग, वो भी तो उसके संग बीते। मैं एकदम से फांसी नहीं, उसे तड़पा तड़पा के फांसी दी जाए, ऐसे नहीं काट काट के टुकड़ों में उसको फांसी दिया जाए। एक ऐसे ख़त्म हो गया तो वह हर गुनाह बन जाएगा, करने वाले हजारों खड़े होंगे सैकड़ों। कब तक ये अन्याय होगा हर गरीब के साथ? किराए पर रहता है तो इंसान की कोई वो नहीं है कि उसके बच्चों को उनकी बेटियों की कोई वो नहीं है। जो भी आके सांसी दारू बेचता है, गांजा बेचता है, स्मैक बेचता है, लड़कियों की सप्लाई करता है, धंधे चलवाता है, चकले खुलवाता है। इसीलिए मुझे भी ऑफर दिया था, मुझसे कह रहा समझौता कर ले, मुझसे समझौता कर ले। मैं किस बात का समझौता करूँ, अपने जिस्म का करूँ या अपने समाज का करूँ, किसका करूँ? मुझसे नहीं हुआ तो मेरी बेटी का टुकड़ों में करा गया है उसको। चार दिन पहले से धमकियां आ रही थी। मेरी बेटी 7 तारीख को गवाह थी, 7 तारीख को गवाही देने वाला गवाह इंसान को, उससे बोला जा रहा है आप मेरे हिसाब से चलोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। बेटी ने नहीं मना करा कि मेरे संग न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, जो मेरे फेस पे पत्थरे और चक्कू से बार हुआ है, मैं कैसे छोड़ दूंगी उन कातलों को? बेटी जाती थी उनके पीछे 100-100 रुपये में सारे लगा रखे थे हमारे, आगे पीछे लगाते थे। हम डरते थे नीचे उतरने से पहले, हम खोल के दरवाजा नहीं सोते थे, हमें पता था कभी भी शैतान आके हमें कहाँ जाएगा। हमारे साथ कोई भी नहीं था, हमारे को न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, उनको भी तड़प तड़प के मौत दिया जाए, उसका पूरा परिवार इनकाउंटर में डाला जाए, पूरा गांव में रहता है वो राजस्थान, वहाँ रहता है, वहाँ पता करो उसका। हर माँ डरेगी बेटी को पढ़ाने से, डरेगी बाहर निकालने से, डरेगी माँ कि मेरी बेटी के साथ। बेटियाँ सेफ हैं आज के टाइम पे, बेटी सुबह जाती है और पता नहीं होता बेटी आएगी कि नहीं आएगी, मेरी तो नहीं आई ना, मुझे सारी जिंदगी एक मेरी बेटी के साथ एक बार नहीं हुआ, दो तीन बार हादसे हुए हैं। बेटी सुबह जाती है और माँ बाप डर डर के जीते हैं कि बेटी शाम को आएगी कि नहीं आएगी। बेटियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब वो बेटी कुछ कर नहीं पाएंगी जीवन में, बढ़ नहीं पाएंगी, घुट घुट के मर जाएंगी। ऐसे लोग तो मार देंगे घर में घुस के बेटियों को, उसको सारे आम इनकाउंटर करा जाए, उसका पूरा परिवार को।
आप देख सकते हैं उनके भाई को यहाँ पे लाया जा रहा है पेरोल पे, और ये भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है वो आप देख सकते हैं। उनके भाई को आर्यन जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके भाई को लाया जा रहा है यहाँ पे पेरोल पे लाया जा रहा है उनके भाई को। भाई को यहाँ पे लाया गया है आर्यन को, और पेरोल पे लेके आया गया है, पेरोल पे लेके आया गया है अपनी बहन की दह को अग्नि देने के लिए वो लेके आया गया है, और कुछ ही टाइम के लिए इनको लाया गया है पुलिस कर्मी द्वारा। थोड़ा सा देखिए, केस जो स्टार्ट हुआ था मार्च के महीने से स्टार्ट हुआ था, हमने शुरू से लगातार इस केस के चलते हुए कंप्लेंट दी है जहाँ हो सके। पहला वारदात हुई थी और वो हमारी रघुवी नगर थाने में, ख्याला थाने फुल चौकी लगती है वहाँ हुई थी। वहाँ एक ऐसे ही है जिसका नाम है अजय यादव, वो अजय यादव प्रॉपर इस केस में इन्वॉल्व है शुरू से, क्योंकि उनकी ढिलाई की वजह से आज उस लड़की की जान गई है जो कि मेरी भतीजी लगती है। और मैं कब से देख रहा हूँ इस केस को, शुरू से मैं वॉच कर रहा हूँ, जो कि उनकी ढील की वजह से, गलत तरीके से उनके स्टेटमेंट बनाने की वजह से सेकंड टाइम 16 मई को अटैक हुआ लड़की के पास। फर्स्ट पहले हुआ था जब मार्च के महीने में, लड़की को 3-4 दिन के लिए उठा के लेके गए, और लड़के के पूरी फैमिली वाले थे, जो कि लड़का गौतम भोग था, उसका बाप विक्की, उसकी माँ पिंकी, उसके चाचा थे जॉनी, उसके चाचा ऋषि, और उसका बड़ा भाई, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। इन्होंने गैंगरेप करने के बाद लड़की को डाला, हमने उसकी कंप्लेंट डाली, हमारी कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं थी क्योंकि स्थानीय पुलिस उनकी खरीदी हुई थी, क्योंकि सांसी जो है वो दो नंबर धंधा करते हैं, वो हर पुलिस वाले को जानते हैं, तो वो मोटा मोटा पछड़ावा चढ़ते हैं, इसकी वजह से हमारी बात को दबाया गया। सेकेंड केस हुआ हमारा पश्चिम बिहार ईस्ट थाने के पास, वहाँ पे पीरागढ़ी डिस्ट्रिक्ट पार्क में, जिधर लड़की को जान से मारने की कोशिश करी, अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 का केस था। उनकी पूरी ये साइट ख़राब कर दी थी चक्कू और पत्थरों से, और उनकी आंख में लेंस डला था, इलाज हुआ उनका एम्स मेडिकल में, कई सारे पे हमारे पास सारे सबूत है, और उनके यहाँ पे प्लेट डली थी। वो लड़की जैसे तैसे बची, रात को उसको बचा के लेकर आए, देन उसके बाद वो लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि सारी प्लानिंग उसके बाप की थी, मास्टरमाइंड जो उसका बाप है, इसमें साथ देने वाले ख्याला चौकी से हमारे पास जो अजय भी हैं, और एक और है पश्चिम बिहार ईस्ट से, जिन्होंने पूरा ये मैटर चेंज कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट गलत करवाई है, उन्होंने काउंसलिंग उस स्टेटमेंट में हमने किडनैप लिखवाया था, उन्होंने मिसिंग कर दी, ये चेंज कर दी टोटली, ताकि एक मैटर को गुमराह किया जाए, ठीक है, उनका ध्यान भटकाया जाए। ऊपर से उन्होंने रात को 1 बजे के बाद पूरी फैमिली को लेके जाते हैं, मदर फादर को, लड़की को, जो कि कोई रोल बनता नहीं है, नाइट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई तो इंटेरोगेशन नहीं होती, वो रात को लेके गए, लड़की को परेशान किया, उनकी मदर को परेशान किया, उनके फिदाजी को मारा, और गलत तरीके से उनके जबरदस्ती साइन करवाया कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास, ये लिखो। उन्होंने कहा हम गलत स्टेटमेंट नहीं साइन करेंगे, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती करवाया, क्यों, सासी के कहने पर, क्योंकि उसने किसी से पैसा दे रखा था। नीतू बिस्ट जो है वो पश्चिम बिहार ईस्ट में जो है, पश्चिम बिहार ईस्ट में, उन्होंने भी पूरी इस केस में बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा पैसा खाया है, और सांसी के साथ मिलकर उन्होंने पूरे केस को बदलने की कोशिश करी है, जिससे कि कोर्ट के अंदर बाहर के बाहर उसकी बार बार जमानत होती थी। 5 से 6 कोर्ट की डेट हुई ये मई से लेके और ये सितंबर के बीच में, एक भी डेट में वो नहीं आया, ना 1 घंटे के लिए अरेस्ट हुआ जिस लड़के ने वारदात की थी, क्योंकि उसके पीछे उसके बाप का माइंड चल रहा था, उन्होंने पैसा खिलाया पुलिस वालों को और बाहर के बाहर जमानत करवाई। एक बार हमारे वकील ने उसकी जमानत रद्द भी करवा दी थी हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बाद भी जब उसके फाइनल स्टेटमेंट होने वाली थी, 7 सितंबर की उसकी अपडेट आई थी कोर्ट की, जिसमें लड़की को पर्सनल जज के सामने अपनी स्टेटमेंट देनी थी, क्योंकि इसके बाद वो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी वारंट निकल गया था, और वारंट के बाद भी उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी, क्योंकि उनका साथ दे रहे थे उनके वकील और पुलिस वाले, जिसका मैंने आपको नाम लिया, नीतू बिस्ट और अजय जी। तो ये जो लापरवाही हुई है, उसी लापरवाही का नतीजा जो आज हमारी घर की मेंबर चली गई है। तो हमारी डिमांड सिर्फ यही है, हम भी चाहते हैं कानून का सहारा लेना है, लेकिन हमारी डिमांड सबसे बड़ी ये है कि हमारे को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला
तो हम उस हद तक चलेंगे जिस हद तक हमने सोचा भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम एक और एक से 111 होने में टाइम लेगा, ये पूरे समाज की बात है जो कि बिना कसूर किए, बिना लड़की बेकसूर हुए इतना उसको मिनिमम हत्या की गई है। आज हमने पोस्टमार्टम की उसकी बॉडी लेकर आए हैं, सुबह से हम लगे हुए थे, आज जाके हमने उसका अंतिम संस्कार किया, हमने कैसे किया वो हम जानते हैं। आज उनके माँ बाप की तबीयत कितनी ख़राब है, उसके भाई परेशान है, उन्होंने सासी ने इतने बड़ा प्लानिंग करी कि उसके भाई को पहले जेल भेज दिया, आज से 12-15 दिन पहले उसको जेल भेज दिया, दूसरे काम में सिर्फ किस में से 500 रुपये चोरी करने के चक्कर में। उसके भाई को पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि वो पुलिस अजय जो मैंने आपको नाम बताया वो मिला हुआ है स्थानीय पुलिस चौकी में, वो अपने उसके भाई को उठाता है सासी के कहने पे, उसको दूसरे केस में 500 रुपये के केस में उसको बुलाया, उसने पूछा आरोपी ने कि आप बुला लो कौन है, 500 रुपये किसने चुराया मैंने, आप उसको बुलाओ, उन्होंने नहीं बुलाया और उस केस में उसको उठा के जमा कर दिया। वो अगर उसका भाई होता आज घर में तो ये लड़की नहीं जाती बाहर, ये लड़की कुछ सामान लेने निकली है, उसका भाई था नहीं, और सेम डेट पे एक पहले भी बहुत बार कोशिश की थी इनको घर से नीचे बुलाने के बहाने को लेकर, जब उनके ऊपर हत्या किया गया। हाँ, वो बार बार लड़की के फोन पे फोन करता था, लड़की के बहन के नंबर पे फोन करता था, उनको टॉर्चर करता था कि मैं तुम्हें उठवा लूंगा, मैं तुम्हें डीसीपी तो मेरे पॉकेट में ये सारी बातें कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी बात सुन लो, अपना स्टेटमेंट वापस ले लो, केस वापस ले लो, वरना तुम्हें मार दूंगा। ये बहुत बार उसने स्टेटमेंट दी, हमने हर तरह से लिख के रिटर्न में अपने स्थानीय पुलिस चौकी में जहाँ वारदात थी पंजाब विभाग ईस्ट थाने में वहाँ पे, और रजौरी गार्डन जहाँ पे अभी लड़की को मार के डाला, तीन थाने की कंप्लेंट जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसमें प्रॉपर तरीके से पुलिस इन्वॉल्व है, जो कि उसकी लापरवाही की वजह से लड़की जान गई है, अदरवाइज लड़की जिंदा होती जी। देखिए, पुलिस ना पूरी तरीके से इस मामले में लिप्त है, पुलिस चाहती तो हम लोग 3 महीने से चक्कर काट रहे थाने कचहरी के, पुलिस अगर अपराधी को गिरफ्तार कर लेती तो आज ये लड़की जो है 19 साल की मात्र, आप जरा सोचिए, अभी इसने ज़िंदगी का कुछ देखा ही नहीं था, बिल्कुल 19 साल की लड़की है, इसको बता दिया पति पत्नी है, पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया, जो मैं मीडिया में बाइट देख रहा था जो कि सरासर गलत है, लड़की को अगवा करके ले गए, पूरी प्लानिंग है, पुलिस शामिल है, लड़का बिल्कुल फरार है, कहीं भी इसमें पूरी तरह दिल्ली पुलिस शामिल है, और दिल्ली पुलिस के खिलाफ के जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अपराधियों को जो जो इसमें शामिल है, केवल लड़का नहीं, जो जो प्लानिंग में शामिल है सबको पूरी तरीके से इसमें सजा मिलनी चाहिए, और लड़के को सजाए मौत मिलनी चाहिए, फांसी की सजा दो, लड़के को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लड़के को फांसी दो, फांसी दो। जब 2-3 महीने पहले से उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, पहले उनको घर के नीचे बुला के ज़बरदस्ती वहाँ पे मैदान में जाके उनके ऊपर अटैक किया, पत्थरबाजी की, बहुत चीज़ें उनके साथ हुई है, तब से कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से, कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए जिस हिसाब से लड़की के साथ ये चीज़ें हो रही थी, मतलब माँ ने, उनके पिता ने, लड़की ने खुद, मान्या ने खुद ऑन कैमरा गुहार लगाया दिल्ली पुलिस से कि हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। जो उनकी आयु थी, उनका नाम था नीतू विष्ट, उन्होंने पश्चिम बिहार थाने की थी, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इनके मम्मी पापा को कार्रवाई नहीं करी, खुद लेडीज होकर के उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं करी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे पैसे खर्च करे थे, वो इस बात को बोलते थे, जो उनके पापा जिन्होंने ये मर्डर किया है वो बोलते थे। और जहाँ रही बात, वो कहते हैं शादी हुई, 376 का मुकदमा चल रहा है उस लड़के के ऊपर, मियाँ बीवी का 376 का, आपने अगर पढ़ा होगा कानून को तो उसमें 376 के नहीं आती है धारा, रेप के मामले को दबाने के लिए वो बात, बिल्कुल, ये रेप के मामले को अभी भी रेप और मर्डर, अभी भी रेप और मर्डर आई है, अभी भी जो मर्डर हुआ है, सिर्फ मर्डर नहीं है, अभी भी रेप और मर्डर हुआ है, और उसके अंदर हमारे जो ख्याला थाने से चौकी साथ हैं, मोहन भाई बेहतर बता पाएंगे जी। जिस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, 3-4 महीने पहले से लड़की के ऊपर अटैक किया जा रहा है, 16 मई को अटैक हुआ उनके ऊपर, ठीक है, वहाँ पे मान्या ने खुद ऑन कैमरा कहा था मेरे को सुरक्षा चाहिए, दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा देने की बजाय, मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें, आपको तो खुद ही पता है पुलिस ने क्या करा है क्या नहीं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी से लापरवाही बढ़ती गई है, तो आज आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या है। देखिए, इसमें जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उसका रवैया ठीक नहीं रहा है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि सबसे पहले जो कंप्लेन कराई इन्होंने जब 1 मार्च को, और कहा गया शुरू में जो मार्च को कराई कि भाई मुझे खतरा है, बाकायदा पुलिस कंप्लेन दर्ज कराई, उस समय भी पुलिस का रवैया, उस समय अधिकारी का रवैया लिपापोती का रहा, उसकी वजह से फिर मई में आरोपी की हिम्मत बढ़ी, और मई में 7 मई को आरोपी ने जानलेवा हमला किया, और जानलेवा हमला जब हुआ उसके बाद भी जो कार्रवाई उस समय पुलिस अधिकारी को करनी चाहिए थी, उस समय पुलिस अधिकारी ने वो कार्रवाई नहीं करी,
यहाँ तक कि जब उनकी बेल रिजेक्ट कराई और बेल रिजेक्ट करा के जो संबंधित अधिकारी था उसने चार्जशीट सीधे पेश कर दी, जिसकी वजह से उसको मदद मिली। तो उसको इसका मतलब वो पुलिस का वो अधिकारी किसी भी वजह से, किस कारण से आप सब जानते हैं, लेकिन उसको वो मदद कर रहा था उसके उसको उस समय उसको बेल मिल गई और उसी का नतीजा हुआ कि तीसरी बार उसने हमला किया और इस बच्चे की हत्या की। जैसा आपने बताया कि मान्या ने भी कहा कि मुझे जान का खतरा है और संबंधित अधिकारी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एक तो उसकी लापरवाही सिर्फ नहीं है, परिवार का ये भी कहना है कि वो पुलिस का अधिकारी इस मर्डर में सम्मिलित है। उसने क्यों ये सब, क्योंकि एक आदमी इस तरह से मर्डर करके किसी बच्ची का, क्योंकि बच्ची हमारी हस्तपुष्ट थी, अकेले किसी आदमी से संभलने वाली नहीं थी, तो परिवार का तो कहना है कि वो जो अधिकारी पूरा परिवार मिला हुआ है, साथ साथ पुलिस का वो अधिकारी जो अजय यादव जिसकी बात हो रही है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मर्डर के अंदर शामिल है, ऐसा परिवार का कहना है। और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में दिल्ली में कोई भी आरोपी इस तरह की हिम्मत ना करे और परिवार सुरक्षित महसूस करे। यहाँ पर आपने मौजूद लोगों की भी बात सुनी है, सबको यही कहना है कि आरोपी को फांसी मिलनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से इस देश में कानून व्यवस्था का हाल हो चुका है, जिस तरीके से आप लड़की की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि सबसे पहले बात तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, इसमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मिश्रे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।